सो नैक्सट अपने को क्वेश्चन नंबर 9th है एक्सरसाइज 13.1 का। सो अपन कहा गया अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ओके सो जिमें कि अपन डायग्राम दे विच दिखाई दे ही रहा भी एक अपने को सिलेंडर है उसके दोनों साइड्स तो हेमीस्फीयरस नू स्कूप आउट किया गया है ना बाहर कढ लिया गया तो उत्थे फिर ऑब्वियसली कुछ इदा की शेप जी बन ही चुकी होगी। यस ओके फर्दर उन्होंने कहा इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके सो आप इतने लिख ही लें सिलेंड्रिकल पोर्शन है जोड़ा उसका जी हाइट दी गई है वह दिती गई है जी 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस आ जोड़ा वो दिता गया 3.5 सेंटीमीटर। ओके उन्होंने कहा फाइन टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। सो प्लीज़ इतने फिर कन्फ्यूज नहीं होना जोड़ा टोटल सरफेस एरिया वर्ड उन्होंने दिता है इसका मतलब TSA नहीं है। जो भी बच्चे दो सॉलिड्स नू मिला के कोई चीज़ बनती है तो फिर ना उत्थे एग्जामिनर आए लिख देंदा भी टोटल कढ़ो दोनों का। सो दा मतलब यह नहीं हुंदा भी कितें तुसी TSA वगैरह यूज करने हैं नो ठीक है। सो प्लीज़ क्वेश्चन नू समझ के करना है रट्टा वगैरह नहीं लगाना। तो आप इत्थे देखते हाँ भी आप कुछ करना होगा। हुण देखो एक तो मैं इत्थे जे रिक्वायर्ड एरिया की गल करा रिक्वायर्ड एरिया सो एक चीज़ तो बच्चे आप इत्थे करनी होएगी मैं लिख दिना जी CSA ऑफ सिलेंडर। हुण तुसीं खुद दसो भी CSA सिलेंडर का क्यों बिकॉज जिहड़ा आ वाला पोर्शन आ अपना है ना तुसीं देखो आ वाला पोर्शन जिहड़ी भी बाउंड्री होएगी ये तो आपां सारी पेंट करनी होएगी। पेंट कहण दा मतलब भी जो भी है जिसका एरिया फाइंड आउट करना है ना। ओके सो एक तो यह हो गया होर किहड़ा हो गया सो दैट्स वाई मैं CSA लगाता सिलेंडर का होर किहड़ा पोर्शन हो गया मैं इत्थे लिख दिना CSA ऑफ हेमीस्फीयर। CSA किहड़े हेमीस्फीयर का हो गया जिहड़ा उपर लग्या होया उपर बनया होया जिवें कि अपने को वाला आ वाले पोर्शन का CSA बनेगा बेटे है ना। ओके प्लस पा रहे हैं जी CSA नीचे वाले का भी बिकॉज नीचे भी बिल्कुल सेम उवें बन रहा है। सो आ वाला पोर्शन है जिहड़ा अपने को रिक्वायर्ड बचता है ना कुछ आ वाला सो सारा जेकर आप गल करिए। सो मेरे को एक मैं नीचे भी लिखूँगा CSA ऑफ हेमीस्फीयर। ओके सो प्लीज़ आह चीज़ मेन होंगी है इसनों चंगे तरीके समझा करो डन। सो आप इतने वैल्यूज पुट करते हैं CSA ऑफ हेमीस्फीयर पहला अपने को सिलेंडर का बेटे किन्ना 2πRH अगला अपने को हेमीस्फीयर का 2πR² उदू अगला अपने को फिर हेमीस्फीयर का 2πR². ओके सो इस ना आप इतने जी कर दें अगे उपर इतें जी कर दिना जी मैं सो ये बनता है। सो सब तो पहला 2πRH उमें पे प्लस पाया ये बन गया अपने को 2πR² प्लस 2πR² मीनस टू से 4πR² कुछ कॉमन निकलता है। यस 2πR कॉमन निकल गया। हुण बेटे R वगैरह देखो R तो दोनों का सेम ही होएगा है ना उन्ना ही हेमीस्फीयर का उन्ना ही सिलेंडर का। ओके सो अपने को बचे अंदर H प्लस 4R। हुण अगे जेकर आप देखिए 4R नहीं बेसिकली इतने बचेगा 2R क्योंकि एक 2 तो आप बाहर ही कढ चुके हैं है ना। सो 2 × π की वैल्यू 22.7 R की वैल्यू 35.10 तो इतने H की वैल्यू H कितनी सी अपने को कल्ली 10 प्लस 2 × R R कितना सी बेटे अपने को 35.10 चाहे 3.5 है ना। सो मैं इतने जो कर दिना थोड़ी स्पेस ही उदा दी बन गई अपने को। सो पहला कटिंग कर दें जी आ कट हो गया 5 तो इतने अपने को 2 आ गया इतने अपने को 2 नाल 2 गया
ਸੋ ਬਾਹਰ ਬਚਿਆ ਓਨਲੀ 22 ਓਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਬਚਿਆ 10 ਪਲੱਸ 3.5 ਇੰਟੂ 2 7 ਸੋ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ 22 ਇੰਟੂ 17 ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 374 ਸੋ 374 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ।